नमस्कार, मेरा नाम विवेक हुनियाल है। मैं ग्राम सावड़ा का हूँ। मैं वैसे शास्त्री कर रहा हूँ, पंडिताई करता हूँ। आप देख रहे हैं शादी हो रही है, एक संस्कार है। तो इसमें लड़की के प्रथम दिवस से जिस दिन मांगलिक जैसे बोलते हैं हल्दी हाथ बोलते हैं, सुबह यहाँ दो गणेश बनते हैं। एक गणेश पूजा अंदर होती है, एक बाहर होती है। एक बाहर में होती है चौकली की पूजा और अंदर विस्तृत पूजा होती है, जिसमें लड़की के विस्तृत मतलब लड़की या लड़का जो भी हो उसके बाने जो संस्कार है उसे पूरा करते हैं। और शाम को लड़की के यहाँ गोत्राचार होते हैं, स्तंभ पूजन जिसे बोलते हैं। शाम को स्तंभ पूजन होते हैं, लड़की के 16 स्तंभ होते हैं ये लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभिमन्यु किए हैं। और लड़की के यहाँ सेरा पूजन होता है शाम को, लड़की के यहाँ स्तंभ पूजन, लड़की के यहाँ सेरा पूजन होता है। सुबह बरात प्रस्थान का टाइम होता है और जब बरात यहाँ आती है तो यहाँ फिर स्वागत होता है, गेट पूजन में होता है। उसके बाद यहाँ गोत्राचार होता है अंदर का, गोत्राचार गहने पहनाते हैं। उसके बाद यहाँ वेदी का है, वेदी के बाद यहाँ गोदान होता है, विस्तृत गोदान करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अभी देखा यहाँ पे गायदान किया हमने। और गायदान करने के बाद लड़की लड़के के घर जाने के लिए तैयार होती है। जो 7 वचन होते हैं लड़की के 7 होते हैं और दूल्हा होता है उसका 1 वचन होता है और लड़के को मंजूर करना पड़ता है। उसके बाद ही लड़की लड़की की दुल्हन बनती है, मतलब आज से लड़की लड़की की दुल्हन है। और आप लोगों ने जितना कार्यक्रम देखा है ये सब गढ़वालों में हर जगह रीति रिवाज में पाया जाता है। मंगल मानती स्वामी सभी के प्राणपति। हाँ सर, अपना नाम बताइए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा नाम सुदानी जी है और ये मेरे सर हैं जी। नाम मुकेश। अच्छा, कैसा लग रहा सर आपको यहाँ पे शादी में आकर के? सर बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके, और यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी अच्छी लगी हमें यहाँ पे, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के, जो यहाँ का व्यवहार है लोगों का बहुत अच्छा लगा। बाकी हमारे सर हैं, इनसे के बारे में बताना आपने कि क्या क्या होता है इसमें शादी में? जैसे कि शादी में अलग अलग सिस्टम होता है, कि जैसे अब तो फैशन आ गया है कि देसी सिस्टम हो गया, मतलब जैसे शहरों में होता है वो प्रचलन आ गया है कि जयमाला वगैरह का, कि जो जयमाला वहाँ पे स्टेज में होती है। तो पहले जो जयमाला होती थी वो वेदी में होती थी जी, है ना। गाँव की शादियों में तो ऐसा होता था, जयमाला तो होती नहीं थी पहले। हाँ, वैसे तो होती नहीं थी जयमाला, और काफ़ी चीज़ें अब शॉर्टकट हो गई हैं। सिंपल सी शादी होती थी, खाना पीना जो होता था वो बैठ के खाते थे लोग, सब नीचे बैठ के दाल और चावल बनाए जाते थे। बहुत बढ़िया, बहुत। अब चिकन बन रहा है शादी के दिन, जब कई सारे वो बन रहे हैं,
अभी कोरोना पीरियड में आपको कैसा लग रहा है शादी अभी आपकी हो रही है? हाँ, तो कुछ रौनक लग रहा है कि रौनक लौट के आएगी? हाँ, लगा कि अब इस बार तो वैसे धीरे लग रहा है आपकी कुछ होगा। लॉकडाउन में जितनी शादियाँ बंद थी वो तो सब अभी हो रही हैं, तो हमारा भी थोड़ा फाइनेंशियली सही हो जा रहा है कि हमारे पास पैसे भी आ ही जा रहा है, नहीं तो हम भी हमारा भी काम नहीं चल रहा था। आ जाओ बटो, चलो तुम पीछे बटा है भाई लोगों, थोड़ा भैया थोड़ा पीछे साइड हो जाओ। तेरी याद हाथ पकड़ो जरा, हाथ पकड़ो मंगल सर बस बाकी छटाओ जा परिवार का परिक्रमा मारा है ना, we'll be right back.